अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमा मेथी की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। आप इसे पराठा, रोटी या प्लेन राइस के साथ सर्व कर सकते हो। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम करने रखा है और उसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। और तेल अच्छा गरम होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। और देखिए प्याज को मैंने लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा। तो ये मैंने 250 ग्राम कीमा लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया था, और पूरा पानी जो है वो छन्नी में निथारने लग गया था, ताकि पानी ज़्यादा कीमे में ना रहे। तो अब हम इसे अच्छी तरह से भुनेंगे हाई फ्लेम पर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो कीमे का पानी जो है वो पूरा ड्राई हो जाए, और अच्छे से तेल छूटने तक हमें कीमे को भून लेना है। और ये देखिए तेल छूटने तक मैंने कीमे को भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और 1 मिनट तक मैंने फिर से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता, 3 हरी मिर्च कटी हुई, और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर मसाले और नमक। तो 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और नमक लेंगे स्वाद अनुसार। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम इसे 1 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे। और देखिए अच्छे से मैंने 1 मिनट तक भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 ग्लास जितना पानी, ताकि कीमा अच्छे से पक जाए, और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ। मिक्स करेंगे और अब हम इसे ढककर पकने देंगे लगभग 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। आप बीच में चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि नीचे लग तो नहीं रहा है। तो ये देखिए 10 मिनट तक मैंने टोटल पकाया है, और तेल भी अच्छे से रिलीज़ होने लगा है, और पूरा पानी भी ड्राई हो गया है। तो अब हम इसे एक बार मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मेथी। तो ये मैंने ली है छोटी मेथी, 1 कप जितनी, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेथी का कीमे में बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है। अगर आपको ये बारीक छोटी मेथी ना मिले, तो आप उसकी जगह पर जो रेगुलर मेथी होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये हमने मेथी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और 1 मिनट तक भून लिया। तो अब हम इसे ढककर पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर लगभग 5 मिनट के लिए, ताकि मेथी का भी अच्छे से फ्लेवर आ जाए और पक जाए। तो ये देखिए मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे पकाया है, और अच्छे से तेल भी रिलीज़ हो गया है। तो बस अब हम इसे मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद करेंगे, और गर्मा गर्म इसे हम सर्व करेंगे। आप इसे सर्व कीजिए रोटी, पराठा, नान के साथ, या फिर प्लेन राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।